अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरीदास किचन। आज मैं आपको फिश बिरयानी बनाने की रेसिपी बताऊंगी। फिश बिरयानी बनाने के लिए हमें यह प्याज दो कटा वाला, जिसे मैंने बारीक चॉप किया, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 से 3 स्पून, टमाटर जिसे मैंने रफली चॉप किया, धनिया पत्ती, दही 1/2 कटोरा और विनेगर 3 से 4 चम्मच, और मछली को मैंने मैरिनेट करके भी 10 मिनट रखा है। इसमें विनेगर और नमक और फिश फ्राई मसाला डाल के मिला के रखी है। फिश बिरयानी बनाने के लिए मसाला हमें ये चाहिए, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच और कश्मीरी मिर्ची 1.5 चम्मच, और ये जीरा और ये गरम गोटा मसाला को मैंने पाउडर करके रखा है, वो ये हैं दालचीनी, इलायची, लौंग और ये फूल, और ये सब बड़ी इलायची सबको मैंने पाउडर करके रखा है। अब हम बनाने के लिए मच्छी को फ्राई में चढ़ाएंगे। फिश बिरयानी के लिए मैंने चावल 1/2 घंटा पहले इसे 3 बार वाश करके मैंने इसे भिगा के रखा है। अब हम गैस ऑन करके फुल फ्लेम में तेल डालेंगे। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। तेल अच्छा से गर्म हो जाए फिर इसमें मच्छी को डालेंगे। तेल अच्छा से गर्म नहीं होएगा तो स्मेल आएगा। तेल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें हम मच्छी डालेंगे। खाने के लिए मैंने पानी बॉईल में रख दी, तब तक हम मसाला पीस लेंगे। मैंने इसमें पीसने के लिए धनिया पत्ती और टमाटर और मैंने 1 प्याज को फ्राई करके रखा था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अब हम इसे पीसेंगे। पीस हमारा एक साइड फ्राई हो गया है, अब हम इसे पलटी करेंगे, दोनों साइड इसी तरह लाल करेंगे। अब हम फिश करी बनाने की तैयारी करेंगे। मैंने तेल गरम करने का रखा, तेल अच्छे से गरम हो जाए फिर इसमें प्याज डालना। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब इसमें प्याज डालेंगे। प्याज हल्का लाल होने के बाद, लाल होने तक इसे हिलाइए, फ्लेम जो रखी आगे का। अब इसमें हम अदरक लहसुन डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। फिर मैंने जो मसाला पीस के रखा था, टमाटर प्याज सब, वो डालेंगे। टमाटर प्याज धनिया पत्ती सब मैंने पीस के रखा था, मैंने वो डाला। अब इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। अभी अच्छे से फ्राई होना, फ्राई होने के बाद साइड साइड से तेल निकलने तक फ्राई करने से। अब हमारा ग्रेवी तैयार हो गया, अब हम इसे मसाला ऐड करेंगे। फ्लेम थोड़ा स्लो कर दे गैस का। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भर के लाल कश्मीरी मिर्ची, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1.5 चम्मच फिश करी मसाला।
अभी मसाला को अच्छे से फ्राई करें हमें। मसाला अच्छे से फ्राई होएगा, अब फ्लेम को थोड़ा जोर कर दे गैस का। मसाला अच्छे से फ्राई होएगा तभी करी अच्छा लगेगा, नहीं तो स्मेल आएगा कच्चा कच्चा। अब हमारा मसाला तैयार हो गया। अगर मसाला में और जल्दी फ्राई करना है तो मसाला पकने टाइम में हाफ चम्मच नमक डालेंगे तो मसाला जल्दी फ्राई हो जाएगा। अब हम इसमें फिश ऐड करेंगे। पहले थोड़ा पानी डालेंगे इसमें एक कटोरा। और ग्रेवी अच्छा से उबलने के बाद इसमें मच्छी डालेंगे। अब इसमें थोड़ा नमक ऐड करेंगे कि हमने फ्राई में भी थोड़ा नमक डाला था, इसलिए नमक अपने हिसाब से डालें। मसाला अच्छे से पक गया, अब इसमें फिश डालेंगे। फिश फ्राई जो मैंने फ्राई करके रखा था उसे इसमें डालें। ज़्यादा पकने का नहीं है कि पहले से फ्राई हो रहा है। फिश एक दो मिनट उबलने के बाद में ये दही को ऐड करें। दही को ज़्यादा उबलने नहीं दें, दही जो मैंने रखा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। फ्लेम को स्लो रखें, हाई फ्लेम में ना रखें। इसमें हम विनेगर ऐड करेंगे, बस अच्छे से उबल जाए इसे ऑफ कर दें। थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड करेंगे। अब हमारा करी तैयार हो गया। अब हम चावल की तैयारी करेंगे। बर्तन में तेल डालें, तेल या घी कुछ भी आप डाल सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें प्याज डालेंगे। खड़ा मसाला गोटा, तेजपत्ता, फूल, लौंग, इलायची, दालचीनी, हल्का लाल होने तक हमें फ्राई करना है। फिर इसमें हम चावल ऐड करेंगे। अब हमारा प्याज लाल हो गया है, इस चावल ऐड करेंगे। चावल मैंने इसे भिगा के रखा था शुरू में। चावल को थोड़ा एक पाँच मिनट तक फ्राई करें। चावल को हाई फ्लेम में थोड़ा देर इसको हिलाते रहे, नहीं तो जल जाएगा। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, चावल फ्राई हो गया। जितना चावल लिए उससे डबल पानी। मैंने बॉइल वाटर करके रखा था, मैंने वो डाली। जितना चावल है उससे डबल पानी लीजिए। फ्लेम को जोर कर दे। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। मैंने नमक नहीं डाला था, इसमें नमक ऐड करेंगे। चावल हमारा पक रहा है, इसमें हम आधा नींबू ऐड करेंगे। नींबू ऐड करने से चावल खिला खिला रहेगा। थोड़ा पुदीना पत्ती डालेंगे और उसमें चम्मच ज़्यादा ना मारे। अच्छे से बॉईल होने के बाद थोड़ा फ्लेम स्लो कर दे। अब हमारा चावल तैयार हो गया। ये देखिए, मैंने इसे एक भी चम्मच नहीं मारा बोल के चावल देखो खिला खिला एकदम। और अगर चम्मच मारेंगे तो चावल टूट जाएगा। अब हम बिरयानी बैठाने के लिए शुरू में थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। अच्छे से मिला दे। इसमें चावल डालेंगे।
सावा डालने के बाद अब जो गरम मसाला मैंने पाउडर करके रखा था उसमें ऐड करेंगे। फिर मैंने कलर को रोज वाटर में घोल के रखा है। रोज वाटर का अलग खुशबू आता, रोज वाटर नहीं होने से भी नॉर्मल पानी बॉयल पानी में कर सकते हैं। अब इसमें हम फ्राई वाला प्याज थोड़ा ऐड करेंगे। थोड़ा धनिया पत्ता और आलू, आलू सब साइड साइड डालिए। आलू मैंने फ्राई करके रखा था वो आलू है। अब इसमें हम करी डालेंगे। करी डालेंगे, करी के साथ थोड़ा ग्रेवी भी डालें। थोड़ा ग्रेवी भी ऐड करें इसमें। आप लोग खट्टा ज़्यादा पसंद है तो नींबू भी ऐड कर सकते हैं टम में। बारो चावल डालें। अब हमारा बिरयानी तैयार है। अब इसे हम दम में रखेंगे। थोड़ा सा घी एक चम्मच ऐड कर ली लास्ट में। लास्ट में फ्राई वाला आलू है वो भी डाल दें। तो प्याज फ्राई करके रखा तो वो भी डाल दें। धनिया का पत्ता, अब इसे हम दम में रखेंगे। दम में रखने के लिए हमें गैस पे तवा रख दे कि नीचे ना पकड़े और हाई फ्लेम में 5 मिनट रखे, फिर स्लो करके 5 मिनट रखे, 5 से 10 मिनट रखे। अब इसे दम होने दें। अब हमारा फिश बिरयानी तैयार है। अब इसे बनाइए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।